वेल्थ क्रिएशन का परफेक्ट फॉर्मूला। जी हाँ, 40 सालों से ज्यादा का अनुभव, 25 वेल्थ क्रिएशन स्टडी और उस बड़े फॉर्मूले को जिसका नाम है QGLP। अगर अगले 20 से 25 मिनटों में समेटना हो तो है ना मुश्किल काम, मतलब गागर में सागर भरने वाली बात है। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि रामदेव सर से जानें कि किस तरह से उन्होंने अपनी ये 25 वेल्थ क्रिएशन स्टडीज बनाई है और उसको हम किस तरह से अपनी चेकलिस्ट के तौर पर उतारें। तो सबसे पहले सर एक बार फिर से धन्यवाद आपका, पहले एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को आपके अनुभव से मिला, अब इस बुक का अनुभव मैं लेना चाहता हूँ कि जो आपने इसमें स्टडीज़ में लिखा है। तो सबसे पहले बिजनेस वाली चेकलिस्ट से शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में ही मैंने ना एक उसमें जो टॉपिक पढ़ा उसमें आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वो वाकिया दिया है, उदाहरण दिया है, लिंडी इफेक्ट। वो क्या चीज़ है, वो कहाँ से दिमाग में है, उसको हम इन्वेस्टिंग में कैसे जोड़ें? 2-3 साल पुराने मतलब ये है वाकया जिसमें कुछ एक्चुअल में नसीम तलीब ने यूज़ किया ये अपने पुस्तक में। जी, तो उन्होंने बोला कि जो कंपनी एक्चुअल में क्या, ये कैफ़े है, लिंडी कैफ़े है, चीज़ कैफ़े ऐसा कुछ तो भी है वहाँ पर ब्रॉडवे में। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर सब ये डायरेक्टर्स एक्टर्स स्ट्रगलिंग एक्टर्स वो सब बात करते रहते हैं। तो उनका सबसे बड़ा था कि भाई कौन सा शो चलेगा, कौन सा शो बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि पैसे बनते हैं लंबे शो। भाई आपने $10-20 million खर्च कर शो लगाया और एक हफ्ते में उतर गया तो घाटा ही घाटा है। करेक्ट। जब वो शो 100 दिन 200 दिन 400 दिन चलता है तब जाके पैसे बनते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज आता है उसमें, कॉस्ट रिकवर है, तब फिर उसका पैसे। तो ये बहुत, तो वो बोलते हैं कि भाई जो जितना पुराना शो है वो उतना ही लंबा चलेगा। अच्छा, तो नया 9 दिन पुराना 100 दिन। हाँ, तो यदि 100 दिन यदि हो गया कोई शो, 100 शो से सक्सेसफुली हो गया, अभी भी फुल चल रहा है, इसका चांस है कि ये 200 दिन चलेगा। ओके। हाँ, और 200 दिन चला हुआ है वो उसका चांस है कि 400 दिन चलेगा। सो इट इज एंटी एजिंग इफेक्ट। ओके। यू नो, मतलब ऐसा लगता है कि यार 100 दिन हो गया अभी कौन बचा देखने के लिए। और इसी फॉर्मूले को आपने इन्वेस्टिंग में लागू किया। इन्वेस्टिंग में तो उसका उसने ड्रॉ किया है कि लॉन्जिविटी ऑफ द कंपनीज आर ऑल्सो लाइक दैट। जो कंपनी का जिसका कंसेप्ट जो है, जैसे आपने कोई चीज लेके आए और वो कंसेप्ट 20-25-30 साल तक चलते जा रहा है, जैसे कोई पिज्जा कंपनी है तो कंसेप्ट ऑफ पिज्जा इज वेरी लॉन्ग। फिर ये कंपनी कितने साल से सक्सेसफुल है, जुबिलेंट मान लो 25-50 साल से देखो तो आप खाली पिज्जा बना रही, एंड दे आर वर्ल्ड्स नंबर वन, अमेरिकाज नंबर वन। तो इसका ये ऐसा समझना है कि एक तो कंसेप्ट ऑफ पिज्जा विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स, करेक्ट, 100 इयर्स, और उसमें ये कंपनी भी खूब पैसे पीटने वाली, काफी लंबे तक जिंदा रहेगी। तो क्या नई कंपनी भी आती है, जैसे ये अभी सब नई नई कंपनी आ रही है, ऑनलाइन कंपनी आ रही है, 10 साल पहले थे भी नहीं, वो उनका इनकॉर्पोरेशन भी नहीं होता, तो उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो उनको बहुत सोच समझ के चलने का कि भाई ठीक है आज तो कमा रहे हैं लेकिन ये रहेंगे भी नहीं रहेंगे 10 साल के बाद, ये समझना पड़ेगा। तो वो लिंडी इफेक्ट जो है ना बिजनेस में, बहुत सबसे पहले मैं देखता हूँ भाई कितना पुराना है, फर्स्ट जनरेशन है क्या, कितने साल से पैसे कमा रहा है। क्योंकि देखिए मेरे को मालूम है, मैं बिजनेस बनाया हूँ, पहला 5-7 साल 10 साल तो साफ हो जाता, मालूम नहीं पड़ता कहाँ गया, आया गया। उसमें 99% बिजनेस बंद ही हो जाते, मतलब चलते भी रहेगा तो बंद ही समझो आप। 1% बचता है, वो 1% जो पब्लिक जो आपको लिस्टिंग देता है वो सब 1% है। अब वो लिस्टिंग में भी 1% ही बचता है, मतलब रिलायंस और टिस्को टेलको तो मतलब 1 out of 100 है लिस्टेड में से, वो 100 इज ऑल्सो आउट ऑफ द 10,000। करेक्ट। तो वो अपने को ये समझेगा कि भाई ये कंपनी दम है कि नहीं, ये लंबे रेस का घोड़ा है कि नहीं, और लंबे रेस का अगले 20 साल, आई एम बाइंग फॉर नेक्स्ट 25 ईयर, तो मैं ये समझेगा ये पीछे 20 साल में क्या किया। करेक्ट। यदि है 20 साल में तो फिर इसका चांस है आगे भी चलेगा। तो वो लिंडी इफेक्ट जो है, एंटी एजिंग है क्या, एंटी फ्रेजाइल है क्या, वो समझ रहे हो? राइट। एक और आपने जो स्टडी की जिसमें अनकॉमन प्रॉफिट्स की आपने बात की, कि मतलब अनाप शनाप जबरदस्त प्रॉफिट, और उसमें मैंने पढ़ रहा था कि टाइटन का एग्जांपल भी दिया कि किस तरह से इमरजेंस और एंड्यूरेंस किसी कंपनी की हो सकती है। तो उस थॉट प्रोसेस के पीछे क्या आपका सोचना है, मतलब कहाँ से वो थॉट प्रोसेस है? देखिए बाजार में क्यों आते लोग, लागत से आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैसा बहुत जल्दी बनाने का हर आदमी की वो तमन्ना होती है। भाई आपको अदरवाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर 5,000 तो कमा ही सकते ना, 15 साल में डबल हो जाएगा पैसा। अरे 15 साल में तो इन्फ्लेशन ही डबल हो जाएगा, तो आपने क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया। करेक्ट। तो हमको 10-15-20-25-30% के हिसाब से पैसा कमाना है, और लोगों तो आप किसी पूछो तो बोले हमको हर साल डबल करने का। सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक वेरी क्विक मनी। सो जो अनकॉमन प्रॉफिट्स होता है, आपका जैसे पैसा 1 साल में डबल हो जाए, 2 साल में डबल हो जाए, सो अनकॉमन प्रॉफिट लीड्स टू अनकॉमन शेयर प्राइस। जब यदि आपका प्रॉफिट एक्सप्लोड हो जाता है कोई कारण से, जैसे भी स्टील के दाम
मतलब जो $600 का एच आर, $400 का एच आर था वो $800 हो गया, प्रॉफिट 10-10, 20-20 गुना हो गए, तो शेयर के दाम भी 5-6 गुना हो गए। सो अनकॉमन प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स लीड टू एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, उसका दूसरा कोई फार्मूला ही नहीं है, सिंपल फार्मूला है। तो आपको आगे प्रॉफिट उल्टा, आपको शेयर बाजार में यदि उल्टा सीधे पैसे बनाने हैं, आप ये सुनते रहो चारों तरफ कहाँ उल्टे सीधे पैसे बनने वाले। अच्छा, तो जब पैसा बनना चालू होता है तो अर्ली स्टेज में आप पकड़ लो, क्योंकि बाजार को थोड़ा टाइम लगता है उसको पकड़ने में। करेक्ट। अच्छा, कई कई प्रॉफिट जो बड़े प्रॉफिट बनने वाले होते हैं उसमें कई कई मशीन होता है, 12 महीने के लिए होता है, 24 महीने के लिए होता है, एक ट्रांजिटरी होता है, भाव बढ़ा घट गया। कई क्या होते हैं, लंबे रेस के घोड़े होते हैं, तो वो लंबी रेस के घोड़े पकड़ में आने, वो पकड़ लो। वो जैसे आपने HDFC बैंक खरीद लिया, इन्फोसिस खरीद लिया, HDFC बैंक इन्फोसिस आपने भी देखिए 95 में 13 करोड़ का प्रॉफिट था इन्फोसिस का, 350-400 करोड़ में कंपनी मिलती, पूरी कंपनी मिलती थी। आज वो कंपनी कमाती 20,000 करोड़, 13 करोड़ तो क्या, मतलब 13 करोड़ तो हर मिनट कमा रही है। हाँ, exactly, ऐसा तो, yeah. तो ये देखने का, देखिए उस समय 100-150 कंपनी थी IT में, लेकिन ये कंपनी जो है वो यहाँ तक पहुंची, जो पूरे देश का झंडा आगे, पूरे विश्व में जाके खड़ा दी। Absolutely. तो ये समझिएगा कि वो कभी कभी जो है ना आपको ऐसे ऐसा कंपनी मिल जाता है। तो जो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स की जो उम्मीद रखते हैं, मतलब जनरली मार्केट में लोग आते हैं उनका ये सोचना है कि कोई ऐसा स्टॉक बताओ 6 महीने साल भर में डबल हो जाए। करेक्ट। आपके हिसाब से कितने समय में डबल हो वो रीजनेबल है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कितना पैसा मार्केट से हम बनाएं, ये हमारी रीजनेबल उम्मीद होनी चाहिए। देखिए इंडेक्स था, आप पहले आप इंडेक्स देखें, इंडेक्स था 1979-80 में 100 जी, आज वो 52,000-52,500 है, ठीक है, 14-14.5 टका का आपका कंपाउंडिंग है। करेक्ट। तो 14-15% 5 साल में डबल एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, रीजनेबल है, रीजनेबल है। अब ये हर 5 साल में नहीं होता है, कौन से में होगा पता नहीं, वो पता नहीं, लेकिन आप यदि लंबे लंबे, जैसा अभी मुझे बताया जो एक से जो 2000 हमारे 27-28 टका बना, लेकिन वो कोई साल में 27 नहीं बना है, कभी 50% नीचे या 100% ऊपर, ऐसा सब बना है। तो कंपाउंडिंग इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। हाँ, लेकिन आपको वो 14-15% मिलेगा, वो एक्सपेक्ट करना गलत नहीं, हो सकता है आप 5 बनाए 7 बनाए, भाई ये तो ठीक है, मतलब किस्मत की बात होती है। आप यदि ऊंचे में खरीद लिए तो आपको हो सकता है शायद कुछ ना बने 5 साल के बाद भी, लेकिन यदि आप यदि एवरेज में आप खरीदते जाएँ, यदि आप लंबे रहें, तो आपको 14-15% 5 साल में डबलर एक्सपेक्ट करना इज नॉट आउट ऑफ लाइन। एब्सोल्युटली। अच्छा, बिजनेस चेकलिस्ट में मैं आपके बहुत सारे जो आपने पॉइंट्स लेके वो पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ड्यू पॉइंट एनालिसिस को लेकर भी आया। हमारे दर्शकों को समझाएं ये क्या एनालिसिस है और किस तरह से इन्वेस्टिंग में मदद करता है। हाँ, सो देखिए इसमें ड्यू पॉइंट में 3 कंपोनेंट होते हैं, मार्जिन, लिवरेज एंड एसेट टर्न। तो आप किसी से पूछिए तो इस कंपनी का मतलब मैं सीए करने के बाद भी इस चीज़ को ऐसे सोचता था शुरू में। इस सीए में बहुत अच्छा समझाते हैं, FM जो फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है, कुछ साहब ने बहुत अच्छा समझाया। तो इसमें क्या होता है, मार्जिन होता है और एसेट टर्न होता है एंड लीवरेज होता है, ये 3 चीज़ होती है, तो उससे आपका ROE ट्री बनता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आपका अल्टीमेटली क्या है, देखिए बिजनेस क्या होता है, कैपिटल इनपुट आउटपुट मशीन होता है। करेक्ट। तो आपने साल के शुरू में बिजनेस, ये नाम से कोई मतलब नहीं, बिजनेस क्या है, आपने 1000 करोड़ साल के शुरू में डाला, साल के आखिरी में 1100 करोड़ निकला, 1200 करोड़ निकला, 2000 करोड़ निकला या 990 करोड़ निकला। करेक्ट। घटिया कंपनी होगी तो कम कर देंगी, कम कर देगी। अच्छी कंपनी होगी तो कम से कम, जैसे आप SBI में दोगे तो 1050 आएगा, 5% आएगा। आप एवरेज कंपनी में जाएंगे तो आपको समझ लीजिए 10-12% मिलेगा, थोड़ी और अच्छी कंपनी में जाएंगे तो 20% मिलेगा, बहुत अच्छी नेस्ले जैसे में जाएंगे तो आपको 80% मिलेगा, और कोई अच्छी कंपनी होगी तो इन्फाइनेट होता है, मतलब डबल ही होता है पूरा। तो ये देखने का कि भाई, लेकिन वो जो डबल होता है, 100% जो रिटर्न आता है, वो 100% रिटर्न ऐसा नहीं कि मतलब 100 रुपये का सेल किया तो 100 रुपये प्रॉफिट आएगा, हो ही नहीं सकता कभी। होता क्या है, 100 रुपये के सेल्स में आपका 10% मार्जिन होता है, ओके, लेकिन आप उसको 10 बार घुमाते हो। तो आपने 10% हर बार कमाया और उसको 1 महीने में आपका बिजनेस खत्म हो गया, रॉ मटेरियल ला के काट पीट के बना के आपने बेच दिया और आपके पैसे वापस आ गए, तो उसमें 30 दिन लगा। तो आपने कितने टर्न किए पूरे साल में, 12 टर्न किए,
तो 12 बार आप 10-10 टका कमाओगे तो कितना हो गया, 120 टका हो गया। करेक्ट। तो ऐसे 120 टका बनते हैं, आपका 100 रुपए में 120 रुपए नहीं बन सकता, लेकिन 100 रुपए आपने कैपिटल लगाया, ऊपर 120 रुपए कमा सकते हैं। करेक्ट। अब तीसरा एक कंपोनेंट आता है, वो है लिवरेज का। अब लिवरेज जो है आपको मिलता से 8% मिलता है आपको, आपका रिटर्न है, आपका रिटर्न है मान लो 20%। अब तो इक्विटी, आपका जो इक्विटी रिटर्न जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वो 200-300 टका भी हो सकता है। यदि 100% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में लिवरेज है तो आपका इक्विटी रिटर्न विल भी सिग्निफिकेंटली हायर, डिपेंडिंग ऑन आपका लिवरेज कितना है। Correct. तो ये तीनों कंपोनेंट को आपको देखना पड़ता है। प्रॉफिट आप क्या बोलते हैं, बिना लिवरेज के कितना प्रॉफिट है, बिना लिवरेज के प्रॉफिट, बिना लिवरेज का 25% इज फार मोर, लिवरेज के साथ में वो 40 भी हो सकता है, लेकिन वो 40 से अच्छा 25 है यदि अनलिवर्ड है। करेक्ट। तो ये तीनों कंपोनेंट को, मार्जिन, एसेट टर्न एंड लिवरेज, ये तीनों को आपको देखना पड़ेगा। एक आपने वो 5 फोर्सेस की बात की कि किस तरह से आप किसी बिजनेस को देख रहे हैं तो इन 5 फोर्सेस को अप्लाई करना चाहिए, वो बताएं। देखिए बिजनेस में क्या, पैसा कमाना, देखिए इंडिया एक इतना मतलब खतरनाकली कॉम्पिटिटिव जगह है कि यहाँ पर मतलब आप पैसा कमाएंगे दूसरा आपके पीछे लगने वाला है। कॉम्पिटिशन जबरदस्त। हाँ, वो वर्ली सीफेस में एक बंदा जूस में पैसा कमाने लगा तो 3 जूस वाले आगे बढ़ गए, ना तो उसका चल रहा ना बाकी दोनों का भी चल रहा, तीनों डूब गए, समझे ना, बिजनेस तो लिमिटेड था। तो ये क्या बहुत हाइपर कॉम्पिटेटिव मार्केट है। सो हाउ डू यू मेक मनी, तो उसके लिए माइकल पोर्टर साहब ने इन 70s ही रोड मतलब मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक पेपर इन द वर्ल्ड इन रिसेंट टाइम इज 5 फोर्सेस, हाउ टू लुक एट द कॉम्पिटिशन। तो उन्होंने 5 फोर्सेस का मॉडल दिया, हर MBA स्कूल में पढ़ाते हैं, मेरे ख्याल से CMA आजकल आ गया है, हमको तो नहीं पढ़ाया हुआ था, लेकिन इसका पुस्तक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी करके है माइकल पोर्टर साहब को, ये जरूर पढ़े। तो इससे ये मालूम पड़ता है हाउ टू एनालाइज द कॉम्पिटिशन, कि कॉम्पिटिशन क्या 5 तरीके से आता है। एक तो आपका कॉम्पिटिव फोर्सेस क्या होता है, एक तो आप लोग जैसे 3 लोग हो कमरे के अंदर या 4 लोग हो, जैसे पेंट की 4 कमरे, तो आप कॉम्पीट कैसे कर रहे हो, आप कुत्तम कुत्ती कर रहे हो, एक दूसरे के गले पे लगे हुए, मारने पीटने पे लगे हुए। तो यदि यदि कला है घर के अंदर, यदि कला है एक दूसरे को मतलब जान पे लगे हुए, उस इंडस्ट्री में कभी उसका उद्धार नहीं हो सकता। जैसे टेलीकॉम, जैसे टेलीकॉम, समझे ना, कला है, दुनिया का सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट है और तीनों बैंकक्रप्ट है, मतलब यहाँ पैसे नहीं बनते हैं। करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो तीनों एक दूसरे को मारने पीटने में लगे, नंबर वन बनेगा। चलो कौन नंबर वन, अरे भाई 3 में से एक ही आदमी नंबर वन हो सकता है, तो उस चक्कर में पैसे नहीं बनते। जब भी इनकम्बेंट्स के बीच में मारामारी रहेगा पैसे नहीं बनेंगे। और यदि वही दोस्ती खाते हो जाती है, ये तो अथाह मार्केट है, सब पैसे कमाते हैं, है ना। तो सो इनकम्बेंट सबसे मेन चीज है, इनकम्बेंट में कैसा रिलेशनशिप है वो देख लीजिए। फिर आपको कस्टमर, ये तो कस्टमर आपके ऊपर हावी है, आप छोटे आदमी हो, कस्टमर हिंदुस्तान लीवर है, आपको पैसा कमाने देने वाला, उसको पता है आप कितने में, सब आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर पूछेगा, ये 2 रुपए ले और चल, ऐसा है। करेक्ट। ओके, देन ये तो होगा कस्टमर। फिर सप्लायर, सप्लायर को मालूम पड़ेगा कि सप्लायर बड़े लोग हैं, तो वो तो भाई बोलेंगे पहला चेक रख फिर उसका लेके जा। सही बात। तू बेचेगा 90 दिन क्रेडिट में, लेकिन मैं तेरे को स्पॉट में एडवांस ही, तो वो सप्लायर हो गया भाई, मैं एक आदमी हूँ जो सप्लाई कर सकता है। तो ये आपको देना पड़ता, ये 3 फोर्सेस हो गए, इनकम्बेंट, कस्टमर, सप्लायर। अब 2 और खतरनाक लोग हैं जो एक्चुअली डिटरमिन करते हैं कि इंडस्ट्री की क्या हालत होगा, दैट इज द सब्स्टिट्यूट। आप जैसे मोटरसाइकिल बेच रहे हो, मालूम पड़ा स्कूटर वाला बीच में आ गया, वो आपको मार्केट आधा लेके चला गया, सो सब्स्टिट्यूट ना आ जाए। हाँ, अचानक से, है ना, आप कॉफी बेच रहे हो, मालूम पड़ा चाय वाला आके चिपका के चला गया। तो ये आपको देखते रहना पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट है। देन कंप्लीटली न्यू एंट्रेंट, मतलब आप शांति से बैठे अपने दुकान चला रहे हो, 3 आदमी और आ गए, मतलब प्राइवेट इक्विटी वाले भाई ये बहुत पैसे कमा रहा है, ये आपको 1000 करोड़ लॉस करने ले दे रहे हैं, आप लगाओ दुकान, तो भाई मेरा तो कहीं दुकान तकलीफ हो जाएगा। सही है, तुम्हारा बने नहीं बने, लेकिन मैं तो। तो ये देखने का कि हाउ हाई इज द एंट्री बैरियर। तो ये 5 फोर्सेस को जब जोड़ो तो तब जाके समझ में आता है ये कंपनी की हालत। जैसे कोई कंपनी है, जैसे मैं बताता हूँ, समझिए जैसे कोई मोनोपोली कंपनी होती है, जैसे आप समझ लीजिए NSE लिस्टेड नहीं है अभी, है ना। अब NSEP का आप देखिए 5 फोर्सेज कैसे कॉम्पीट करने का। पहले सबसे पहले इनकम्बेंट सेंटर में कोई कॉम्पिटिशन है, ये और BSE दो ही है। BSE तो बेचारे बताया ना, वहाँ पर तो FNO है ही नहीं, खाली कैश का काम है, वो भी 10-15% बहुत लिमिटेड, तो उसको कॉम्पिटिशन नहीं, तो राजा आदमी है, इसको कोई छू नहीं सकता इसको, तो 1 out of 1। ओके, कस्टमर, आप और हम कस्टमर हैं,
वो तो भगवान है NSE, जो चल रहा है चल रहा है। अच्छा आपका सप्लायर कौन, उनके एम्प्लॉयज़ हैं या रेगुलेटर्स हैं? ठीक है, मतलब ये नेशनल एसेट है तो उनका भी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। तो ये तो 3 out of 3 हो गया। अभी सब्सटीट्यूट क्या आएगा? इक्विटी का कंसेप्ट एक्सचेंज 20 साल पहले तो बना ही है, तो अभी क्या कंसेप्ट आएगा इसका? कोई दुनिया में कुछ उसका अल्टरनेटिव नहीं, एक ही नेटवर्क है, सब्सटीट्यूट भी नहीं है, कोई न्यू एंट्रेंट भी नहीं है। तो 5 out of 5 मतलब ये एकदम हीरा कंपनी है ना। सो 5 out of 5 और इतनी गंदी कंपनीज होती जैसे टेक्सटाइल कंपनी, अब उसका देखो आप, मतलब आप 6 रुपए में बेच रहे हो वो 5.5 में देकर चला जाएगा। और 1000 सप्लायर यार है। हमने देखा वो पूरी लिस्ट जिसमें टॉप 5 में से 5 में आपने पेंट्स कंपनियों को रखा है। हाँ, हाँ, हाँ। सब इंडस्ट्री के हमने एनालिसिस कर रखा। बिल्कुल समझे ना। और उसमें समझ बहुत चाहिए। सिगरेट, हाँ सिगरेट, अब क्या है मोनोपोली, वो कस्टमर बेचारा गुलाम है सिगरेट के। हाँ सप्लायर कौन है आपका? टोबैको वाले, वो बेचारे फार्मर से, उनको तो कहीं से भी ले आओ। अच्छा सब्सटीट्यूट कुछ आना नहीं, सिगरेट का भी क्या सब्सटीट्यूट करो? करेक्ट। और नया लॉ ऐसा है कोई आ नहीं सकता है, 80% मार्केट शेयर ITC का। तो ये जो है ना, सो ये आपको समझ में आता है कि कंपनी में स्ट्रेंथ कितनी है। करेक्ट। ग्रोथ को लेकर ये आपने एक स्टडी लिखी थी 2007 में, NTD स्टोरी नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर, इसके बारे में बताएं कि ये कैसे स्टॉक पिकिंग मदद करती है। देखिए तो इसमें क्या है, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, आपको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा कि भाई ये बिजनेस जो कर रहा है इसका कैसा प्रोफाइल आगे। मतलब इंडिया में तो क्या, हर चीज़ का कंजम्पशन एकदम कम है, आप जूते का ले लो चाहे लीकर का ले लो चाहे कोई भी चीज़ का, मतलब पर कैपिटल कंजम्पशन वर्ल्ड से बहुत कम है। तो कंजम्पशन तो बढ़ने वाला है ना कोई चीज़, लेकिन कोई चीज़ का कंजम्पशन बहुत कम रहता है। और जैसे देखिए क्या है, नेक्स्ट जनरेशन अपॉर्चुनिटी का थॉट प्रोसेस क्या है कि 60 साल, 1947 to 2007 60 साल लगा इंडियन GDP टू रीच $1 trillion। दूसरा ट्रिलियन डॉलर आया 7 साल में, 2014-15 में आपको दूसरा ट्रिलियन हो गया, तीसरा ट्रिलियन अभी हो रहा है, ये 2-3 साल डिले हो गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल, अदरवाइज हमारा थर्ड ट्रिलियन वुड हैव हैपन इन 1920 इटसेल्फ, 20 में ही हो जाता। करेक्ट। और अभी हम चौथे की तरफ दौड़ते थे। तो क्या हो रहा, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग हर ट्रिलियन डॉलर जो है जल्दी से जल्दी आ रहा है। चाइना में इट इज ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 trillion इट इज गोइंग अप। ओके, अब उसका मतलब क्या है, आपका जब पर कैपिटल इनकम 1000 के आसपास होता है, जैसे 2008 में हमारा 1000 डॉलर पर कैपिटल इनकम था, तो उसमें का बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, पीपल आर बेसिकली पुअर। तो उसमें क्या होता है, आपको जो घर का रेंट, फूड, ये वो, उसमें क्या कॉर्पोरेट एक्टिविटी का होता है जहाँ पर डिस्क्रिशनरी स्पेंड होता है। जब आप फैशन करते हो, जब आप हवाई जहाज में जाते हो, जब आप ट्रेवल में जाते हो, तब जाके डिस्क्रिशनरी स्पेंड होता है। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड इज वेरी थिन, तो 100 discretionary, 900 बेसिक। जब 1000 का 2000 होता है तो जो एसेंशियल रहता है वो 1000 रहता है, डिस्क्रिशनरी गोज फ्रॉम 100 to 1000। सो व्हाट इज अ लीनियर GDP, डबलिंग ऑफ GDP इज 10x फॉर डिस्क्रिशनरी। और वो जो ग्रोथ जो दिखता है, करेक्ट, वहां पर वो एंटरप्रेन्योर को नहीं मालूम है कि उसका ग्रोथ ऐसा आने वाला है। अच्छा, ग्रोथ को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने लिखी थी जो इसमें भी जिक्र है, जिसका वो 19th स्टडी है आपकी 100x। मैं टाइटल जब देखा था तभी मैं दंग रहा, अरे कोई स्टॉक 100 गुना भी हो सकता है, क्योंकि हमारा उतना विजन नहीं है शायद। हाँ। ना हम सोचते हैं कि कोई स्टॉक हम 100 गुना होने के लिए खरीदें। तो ये स्टडी क्या कहती है? देखिए क्या है कि जो एंटिसिपेटिंग, ये तो पहली बात पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 100 गुना ग्रोथ मतलब ऐसा बहुत लगता है, लेकिन 100 गुना ग्रोथ मतलब कितना हुआ 20 साल के? देखिए आप 10 साल बोलेंगे तो 100 गुना 50-60% चाहिए, लेकिन यदि 100 गुना आपको 20 साल में करना है तो 25% चाहिए बस। 25% हर साल में 10 गुना काफी है। 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना, और 30 साल में 1000 गुना भी हो जाएगा। करेक्ट। तो ये समझना पड़ेगा भाई आपको 100 गुना कितने साल में करने का। करेक्ट। ये 100x वाला जो आपने स्टडी लिखा, प्लस इसके साथ ही एक और बैक टू बैक जो स्टडी थी, मिड टू मेगा, ये दोनों इंटरकनेक्टेड। हाँ, तो ये क्या सब थॉट प्रोसेस है, ये 100x जो है ना, ये थॉमस फेल्प्स का एक बुक है, तो उसने स्टडी किया कि 1930 से 1971 40 ईयर्स के बीच में अमेरिका में कितनी कंपनी 100 गुना हुए सक्सेसफुली, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो वो तो इसमें मेन चीज मेरे ध्यान में जो अभी तक है वो ये कि जब आपको वेन यू आर शूटिंग फॉर 100x कंपनी जो 10-15 साल 20 साल में 100x हो रही, तो आप छोटे मोटे कुत्ते बिल्लियों की शिकार ना करें आप, मतलब यू आर गन्स आर लोडेड एंड यू आर शूटिंग फॉर एलिफेंट्स। जब एलिफेंट आएगा तो ही शूट करने का। अच्छा, मतलब छोटा सा हिरण आया ये सब में पढ़ने का नहीं, लगा नहीं लगा, 10-20-25 जाने का नहीं,
भाई मैं लंबे रेस को बढ़ाऊंगा, तो कीप लुकिंग फॉर दैट, यू शुड हैव डिसिप्लिन कि जो 100-200x ना हो अगले 10-15 साल में वो कंपनी अपने पोर्टफोलियो में लाने का ही नहीं। करेक्ट। अच्छा, मैनेजमेंट को लेकर क्या चेकलिस्ट ध्यान में रखनी चाहिए, क्या ग्रोथ को लेकर, रिस्क को लेकर उनका क्या माइंडसेट है, कैसे देखें? सी, ये सब के अलग अलग बकेट्स हैं। आपका बिजनेस अच्छा हो, एक तो बिजनेस चेकलिस्ट है, दूसरा है ग्रोथ का चेकलिस्ट है, करेक्ट, फिर उसके बाद मैनेजमेंट का चेकलिस्ट है। मैनेजमेंट का चेकलिस्ट जो है ना, वो सबसे मोस्ट पावरफुल है। इसमें बफेट साहब ने जो फ्रेमवर्क दिया है, थ्री थिंग्स, आपका कॉम्पिटेंस, पैशन एंड इंटीग्रिटी, एंड इन ऑफ द थ्री इंटीग्रिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, क्योंकि यदि आप बहुत कॉम्पिटेंट हो और बहुत पैशनेट हो लेकिन बेईमान हो तो वो तो बहुत डेडली हो जाएगा। अच्छा, मतलब चोर मैनेजमेंट का तो कोई जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, एटलीस्ट इन लिस्टेड कंपनीज, क्योंकि वो चोरी करके अपने घर को भर सकता है, आपके घर में कुछ नहीं आएगा, वो बहुत कॉम्पिटेंट है लेकिन चोर और ज्यादा करेगा तो नहीं, तो अपने घर ले जाएगा ना सब, आपको आपके घर में क्या आएगा? करेक्ट। यदि ईमानदार रहा तो सब ऐसे जमा करके रखा रहेगा एक जगह, तो आपको भी 10% मिलेगा, उसको भी 90% मिलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही इज अ मैन ऑफ हाईएस्ट कॉम्पिटेंस, हाईएस्ट पैशन एंड अबव ऑल इंटीग्रिटी। सब कुछ ये ठीक है, तो प्राइस चेकलिस्ट में अगर थोड़ा महंगा भी खरीद ले तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। वो या बहुत सस्ता? ये QGLP बराबर वो सीक्वेंस है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ग्रोथ, लॉन्जिविटी, ये जब चारों हो गए अब प्राइस पे आएंगे। हाँ, क्योंकि आपको वैल्यू के समझ ही नहीं ना पहले, तो जब आपको यदि वैल्यू नहीं मालूम कोई चीज का तो प्राइस कैसे लगाओगे? जैसे डायमंड है मेरे पास, जैसे चमक रहा है यहाँ से, लेकिन आर्टिफिशियल डायमंड है और रियल डायमंड है, दो फर्क है ना। करेक्ट। तो वो डायमंड कितना बड़ा है, कितना क्वालिटी का है, वो आपको QGL प्रोसेस से मालूम पड़ेगा। जब वो मालूम पड़ेगा तो यदि मैं पारखी हूँ डायमंड का, तो मैं बोलूँ $1 million होना चाहिए कीमत, तो फिर भाव देखो आप, मालूम पड़ा भाव तो ये तो $50,000 में मिल रहा है, $10,000 में मिल रहा है, या $10 million में मिल रहा है, $10 million भाई तू अपने पास रख। करेक्ट। तो ये जो वैल्यू और प्राइस का जो गैप है वो समझना बहुत जरूरी है। और जो रिस्क को लेकर चेकलिस्ट है वहाँ क्या ध्यान रखना चाहिए? रिस्क में देखिए, आपका मेन रिस्क आता है दो सोर्सेस से, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ओके ओके। यदि बिजनेस में आप ये देखेंगे भाई ये आपको अभी लग रहा कि अच्छा है और एक्चुअली खराब निकलता है, तो भी आप गड्ढे में जाओगे, है ना। सो व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस थिंग? वही 5 forces, ये सब कॉमन साइज, और एक और हम करते हैं CVPM, कॉस्ट वॉल्यूम प्राइस मिक्स, वो भी देखते हैं हम। तो ऐसे कई हथकंडे हैं, मतलब वो सब, मतलब वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है। हाँ। ये समझेंगे कि तो भाई इसी क्रिएटिव प्रोसेस में सोचता हूँ, अब इतनी सारी आपने बना ली, 25 हो गई है, अब व्हाट नेक्स्ट? अब अरे बहुत बाकी है, तो कुछ नहीं, अभी चालू भी नहीं हुआ, समझे, ट्रेलर नहीं हुआ अभी, इतनी जगह है और इतना कुछ नया नया आ रहा है, इतना कुछ नया नया आ रहा है। अब नए, अब जैसे कल किसी ने बोला, हावर्ड मार्क साहब ने बोला कि अब ऐसा लगता है कि जितने नॉन फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, यू हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर। ओ, मतलब ये क्या हो गया? सी, बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, और मतलब अभी फ्री में जो हम लोग को 85 में बैलेंस शीट मिलने का बहुत मुश्किल था, उसके लिए हम लोग ऑड लॉट शेयर करते थे। करेक्ट। आज के दिन में आपको एनालाइज्ड जो कितने सारे जगह हैं जहाँ पर आपको बिना पे किए फ्री में इतना सारा बॉम्बार्डिंग जो हो रहा है उसमें, मतलब कोई मतलब आपको मालूम, मेरे को मालूम है, सो हाउ डू आई मेक मनी? अच्छा सर, एक चीज़, वैसे तो आप मुझे हमेशा ओबलाइज करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, हमारे दर्शकों से हिंदी में बात भी करते हैं, उन्हें समझ में भी आता है, लेकिन ये तो पुस्तक तो पूरी की पूरी इंग्लिश में है। हाँ। तो हिंदी वाले नहीं, नहीं, हिंदी वालों के लिए क्या है? वर्षन करेंगे ना उसका, हिंदी वर्षन करेंगे, गुजराती वर्षन करेंगे, सब वर्षन करेंगे। हाँ, करेंगे ना, ऐसा डिमांड रहे जैसा आपने बोला तो करेंगे, इसमें क्या कोई टाइम थोड़ी लगता है। तो अभी कहीं ये अवेलेबल है या नहीं? नहीं, नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, मैं तो पढ़ चुका हूँ, लेकिन हमारे दर्शकों को ज़रूर इंतज़ार रहेगा कि ये सर की ये इतनी बेहतरीन बुक है, मैं इसे बुक नहीं कहूँगा, ग्रंथ ही कहूँगा, ये वाकई में वेल्थ क्रिएशन ग्रंथ है, जो आप सबके हाथ लगे और आप इसे पढ़ें, क्योंकि वो पुराने ज़माने में होता था ना, कोई ग्रंथ किसी के हाथ में लग जाता था, हाथ से लिखा हुआ, तो वो उसे सहज कर रखता था। तो मैं भी इस पर सर का एक ऑटोग्राफ भी लूँगा और सहज कर रखूँगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके 40 सालों का अनुभव, 25 वेल्थ क्रिएशन स्टेजेस का अनुभव आपने इस पुस्तक में समेटा है और हमारे दर्शकों को पूरा बताया। आई एम श्योर हमारे सारे दर्शक इसे पढ़ेंगे भी और इससे एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में उन्हें मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे वेल्थ क्रिएशन का परफेक्ट फॉर्मूला बताने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन गुरु रामदेव अग्रवाल सर। आई एम श्योर आप ये
किताब ज़रूर पढ़ेंगे और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में आपको इस किताब से बहुत 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 मदद मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।